थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार धंदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, देखिए आपने गौर किया होगा कि जब भी हम किसी नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड होते हैं तो कोई ना कोई ये कह देता है कि अरे यार ये तो नया नया जोश है, अभी तुम्हें इसका अनुभव ही नहीं है, समय के साथ सब ठंडा पड़ जाएगा वगैरह वगैरह कहते हैं। लेकिन जो इन बातों और तानों को पीछे छोड़कर अपनी धुन में आगे बढ़ते चले जाते हैं वही सफलता की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते ही चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया है मेरे सामने बैठे हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट आदित्य बोस जी। इन्होंने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया तो लोगों ने तरह तरह की बातें की इनके लिए, लेकिन इन्होंने उन सब बातों को अनसुना करके वो कर दिखाया जिसका सपना इन्होंने देखा था। आदित्य जी जो हैं एक कंपनी के माध्यम से करियर काउंसलिंग का बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ये नई दिल्ली से हैं और कल तक एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 20,000 रुपए जीत लेते थे। आदित्य एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हम चाहते हैं इनका स्वागत किया जाए और साथ में इनके कंपेनियन के रूप में इनकी माता जी आए हैं। एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आदित्य बाकी सब चीजें तो आपको बताइए, आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। दिव्य सज्जनों, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और CEO शरद विवेक सागर जी। तो शरद जी एक बार हमारे सामने प्रकट होइए। प्रणाम करता हूँ शरद जी और आपसे मिल करके हमेशा जोरदार तालियां बजना शरद जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए और आदित्य जी को आज के खेल के लिए भी अनेकानेक शुभकामनाएं और अपनी स्टार्टअप यात्रा में भी उनके साथ बहुत सारी मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच शरद जी, जोरदार तालियां बजना शरद विवेक सागर जी से। ये हमारे साथ रहेंगे जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट आदित्य, एक लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली ऑडियंस पोल की और आप पहुंच गए हैं 20,000 रुपए में। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अब्दुल कादिर खान जिनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, को किस देश के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है? अब्दुल कादिर खान हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2021 इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ विच कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ए इजिप्ट, बी पाकिस्तान, सी ईरान या डी टर्की। सर इनका नाम मैंने शायद पहली बार ही सुना है तो इस सवाल का मुझे उतना आइडिया लगता नहीं है। लेकिन अगर आपको संदेह है तो आपके पास अभी भी 3 लाइफलाइन बची हुई है। सर मैं रिस्क नहीं लूंगा, आई टेक फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट, शांत हो जाइए दुख दुखी। कंप्यूटर महाशय फ्लिप द क्वेश्चन जो है इसको अंकित कर दीजिए। इस प्रश्न को हटा दें, एक नया आएगा। जाने से पहले किसी एक पे उंगली रखिए। सर बी पाकिस्तान। बी पाकिस्तान पे थाड़ा लगाया जाए, माने वाली सही उत्तर होता हो। तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा और जो सूची आपको दिखाई थी हमने आपसे पूछा था कोई विषय चुनिए जिस विषय को लेकर के अगला प्रश्न आएगा वो सूची बताइए क्या विषय चुना आपने। सर मैंने चुना एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर आदित्य के लिए अगला प्रश्न पेश किया जाए। किस अभिनेता की पहली फिल्म के किरदार का नाम बिट्टू शर्मा था? विच एक्टर्स डेब्यू फिल्म और डेब्यू फिल्म कैरेक्टर वॉज नेम्ड बिट्टू शर्मा।
ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, ए रणवीर सिंह, बी रणबीर कपूर, सी आयुष्मान खुराना या डी विकी कौशल। सर रणवीर सिंह की जो डेब्यू फिल्म थी आई थिंक बैंड बाजा बारात, उसमें उनका नाम था बिट्टू शर्मा, तो सर ए कंफर्म कर दीजिए रणवीर सिंह। ताला लगा दें? यस सर। रणवीर सिंह ए कह रहे हैं, ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। सात प्रश्न हो गए हैं, अब आ रहा है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न आएगा। क्रिएशन ऑफ एडम की ये पेंटिंग किस स्थान की छत पर दिखाई देती है? ऑन द सीलिंग ऑफ विच प्लेस इज दिस पेंटिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ एडम सीन। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये रही वो तस्वीर। बहुत ही ये प्रचलित पेंटिंग है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए सला रेजिया, बी बोर्गिया अपार्टमेंट, सी सिस्टीन चैपल, डी राफेल रूम्स। सर इसके बारे में भी आई एम नॉट श्योर, मैं चांस नहीं लेना चाहूंगा। मुश्किल लग रहा है सवाल, आई वुड लाइक टू टेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन। सर एक्सपर्ट ओपिनियन, शांत हो जाइए दुख दुखी जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। शरद विवेक सागर जी से एक बार फिर संपर्क कराइए हमारा। पहले आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, क्रिएशन ऑफ एडम की ये पेंटिंग किस स्थान की छत पर दिखाई देती है? ए साला रेजिया, बी बोर्गिया अपार्टमेंट, सी सिस्टीन चैपल या डी राफेल रूम्स। ये पेंटिंग, पहले तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, और ये सिस्टीन चैपल की सीलिंग पर ये पेंटिंग दिखती है, माइकल एंजेलो ने इसे बनाया था और काफी फेमस है। ऑप्शन सी सिस्टीन चैपल को के साथ आदित्य को जाना चाहिए। जाएंगे आप इनके साथ? सर मैं शरद जी के साथ जाऊंगा। ऑलराइट सी सिस्टीन चैपल पे ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. Thank you so much, sir. Sistine Chapel, Vatican City में Pope के आधिकारिक निवास, Vatican City, Apostolic Palace में एक chapel है, और chapel का नाम है Pope Sixtus the Fourth से लिया गया है। अच्छा, कैसे इन्होंने छत के ऊपर यानी उल्टे लेट करके माइकल एंजेलो ने ये एक पेंटिंग की, आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम हुआ होगा। हम लोग ऊपर देखते हैं तो हमको चक्कर आ जाता है, कम से कम 4 साल लगे ऐसे उल्टे लेट करके, ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना था उस पर लेट करके उन्होंने ये कलाकृति की, बहुत ही सुंदर। ऑलराइट, तो अब आपकी 3 लाइफलाइन चली गई हैं आदित्य, और आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्यालय बाकी 3 कंपनियों से अलग देश में स्थित है? Which of the following multinational companies is headquartered in a country different from the other 3? And your options are A LG, B Samsung, C Sony या D Hyundai। सर सैमसंग और ह्युंडे तो एक ही जगह का लग रहा है, एलजी और सोनी दे आर हेडक्वार्टर्ड इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, तो जो अलग है। अभी सैमसंग और ह्युंडे एक जगह पर है, तो मुझे लग रहा है, मतलब जो मुझे लग रहा है उसमें ए और सी में लग रहा है सर। बट सर अगेन
अनफॉर्चुनेटली मैं श्योर नहीं हूँ इसमें भी, लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ऑलराइट 50-50 सर। शांत हो जाइए दुगदुगी जी, एक और लाइफलाइन, ये आखिरी लाइफलाइन है आपकी 50-50। यस सर। इसको अंकित कर दीजिए मेरे जी और दो गलत विकल्प मिटा दीजिए। सर मैं सी सोनी लॉक करना चाहूंगा। सी सोनी लॉक करना चाहेंगे? यस सर। सी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर सर। सोनी का जो मुख्यालय है वो जापान के टोक्यो में मिनाटो सिटी में है, जबकि अन्य तीन कंपनियों का मुख्यालय दक्षिण कोरिया में सोल और उसके आसपास है। 1,60,000 हो गया आपका। यस सर। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, और कहने में बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी आपके पास लाइफलाइन है नहीं लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि यदि आपको उत्तर ना आए और आपको लगे कि अगर मैं कहूँगा तो गलत हो जाऊँगा, वो रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 रुपये। 1,60,000 रुपये आपने जीते हैं और हम जानते हैं कि वो क्या महत्व रखते हैं आपके जीवन में। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर। ये रहा कबड्डी, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी इंडिया, डी बांग्लादेश। सर इंडिया इसमें नहीं होगा क्योंकि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है। पहले लोगों को लगता था हॉकी है, लेकिन इसमें किसी ने आरटीआई डाला था तो उससे पता चला था इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है। पाकिस्तान यूजुअली कबड्डी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो मैं जाना चाहूँगा सर ए पाकिस्तान के साथ। एब्सोल्युटली श्योर? सर मुझे जहाँ तक लग रहा है सर ए पाकिस्तान शुड बी द राइट आंसर। सर ए पाकिस्तान को कंफर्म कर दीजिए। ए पाकिस्तान पे ताला लगाया जाए। दिस इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है बांग्लादेश। कोई बात नहीं आदित्य, ये जो 10,000 रुपए आपने जीते हैं इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहां आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 रुपए दबाएंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। बैड लक आदित्य, बट आपसे मिल करके और आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिली, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट, आदित्य बोस आए यहाँ पर, बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन दुर्भाग्यवश गलत उत्तर दिया और पहुंच गए नीचे 10,000 रुपए पर। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी की विंडोज कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नहीं मिलेगी? विच ऑफ दीज इज नॉट अ की फाउंड ऑन अ विंडोज कीबोर्ड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए CTRL, B ALT, C Shift या D Command। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है D Command। अब देखते हैं किन किन लोगों ने D में उत्तर दिया है। सब लोग कंप्यूटर के बहुत गुणी हैं, सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? शुभ्रा माथुर जी ने दिया है 1.84 सेकंड्स, और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है शुभ्रा जी पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। दूसरा प्रश्न आने वाला है आपके सामने, रेडी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? Which of these is not a part of the human digestive system? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए मुंह माउथ, बी हृदय हार्ट, सी
अमाशय स्टमक, डी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? बी हार्ट। और सही जवाब देने वालों के नाम क्या है ये देखा जाए। ये भी सही जवाब देने वाले सबके सम है, लेकिन सबसे कम समय में किसने दिया है? शुभरा जी फिर से 0.83 सेकंड में जवाब दिया है। तो लीडर बोर्ड पे शुभरा जी नंबर वन स्थान पे थी और अभी भी नंबर वन स्थान पर शुभरा जी मौजूद। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे नवरस में से एक रस नहीं माना जाता है? Which of these is not considered to be one of the Navaras? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A श्रृंगार, B हास्य, C आनंद, D रौद्र। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले है C आनंद। अब देखते हैं किन किन लोगों ने आनंद में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने दिया? कुमार सौरभ जी ने दिया 2.77 सेकंड्स में। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड में स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड की स्थिति कुमार सौरभ नंबर वन स्थान पर पहुंच गए। जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कुमार सौरभ जी। वैसे तो ये बेगूसराय बिहार से हैं, लेकिन फिलहाल ये बतौर बैंकर दिल्ली में कार्यरत हैं। भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और बधाई देना है आपके कंपेनियन ग्रुप में, आपके शायद बड़े भाई साहब। बड़े भाई हैं सर, भाई जी। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका अभिनंदन कर दिया जाए। और कुमार वैभव आपका नाम, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर एक रिक्वेस्ट है जी। सर मेरा नाम कुमार सौरभ जी मत बोलिए, और सर आप सर सौरभ बोलिए, कुमार हटा दीजिए आगे से, पीछे से जी हटा दीजिए, बस सौरभ बोलिए सर। कुमार हटा सकते हैं और जी भी हटा दीजिए। हटा सकते नहीं, नहीं सर सौरभ रखिए। जी नहीं हटा सकते। नहीं सर जी हटा दीजिए। सर हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप सर अमिताभ बच्चन हैं, आप सर काफी बड़े हैं सर उम्र में। नहीं, हम बहुत छोटे हैं। नहीं सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम जी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उनको हटाने से फिर हम अपने संस्कार को नहीं हटा सकते। जो हमने बचपन में सीखा है माँ बाबू जी के, उससे हम, वो हमारे संस्कार हैं, उन्हें हम नहीं बुला पाएंगे। तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा। ठीक है सर। ऑलराइट, आप एक बैंकर हैं जी, तो किस तरह का काम होता है आपका? सर एक बैंकर के रूप में हमें ऑलराउंडर की तरह काम करना पड़ता है। हमें अकाउंट्स भी खोलने होते हैं, हमें एटीएम भी देना होता है, हमें चेक भी देना होता है, हमें लोन भी करने होते हैं जी। तो वो पता नहीं है कब किस सीट पर बैठना है, लेकिन हाँ मतलब एक जैसे गाँव की ब्रांच थी मेरी पहले, तो गाँव में हम वहाँ पर लोन वाला ही डिपार्टमेंट देखते थे। अब हमारी ब्रांच वहाँ से हट गई, मतलब मेरा ट्रांसफ़र हो गया और अब हम दिल्ली में आ गए हैं। तो वहाँ पे मेरा एक जो काम है वो नॉर्मल अकाउंट खोलने का है, और एटीएम, चेकबुक वगैरह ये सब, एटीएम में कैश डालना, ये सारी चीज़ें होती हैं वो हम करते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको अपनी नौकरी में, सर, अपने काम में? गांव और शहर दोनों की अगर तुलना करें तो गांव में जो हमारी ब्रांच थी, तो वहाँ तो बस सारे किसान वो पगड़ी और धोती कुर्ता पहने हुए, मिट्टी लगी हुई, हम सोच रहे थे कहाँ आ गए हम, क्या होगा मेरा। जब अंदर गए तो मतलब सबसे मतलब अजीब सी बात ही लगी कि किसान हमें बाबूजी बोलते थे, और वो भी मतलब काफी उम्र होती थी उनकी, लगता था कि बाबूजी के बोले, हम मना करते थे कि बाबूजी मत बोलिए। कहाँ था ये गांव? ऐसा क्या सर, ऐसा था? भी नहीं है कि गांव बागपत में, उत्तर प्रदेश अच्छा, में नीरपुरा गांव है, नीरपुरा नाम है। तो मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, और कुछ ज्यादा बूढ़े होते थे, उनके दांत नहीं रहते थे, तो थोड़ी सी समझ में नहीं आता था। तो फिर ऐसे ऐसे हुआ, और हम वहाँ पे रहे करीब 3.5 साल। रहने के बाद लास्ट तक ऐसा हो गया कि सर ऐसा लगा कि नहीं कि रिलेशन हमारे बीच बैंकर और कस्टमर का, लगता था कि घर के लोग हैं। जब बाहर निकलो, बाबूजी गन्ने खा लो, बाबूजी ये कर लो वो कर लो, ऐसे ऐसे करके बातें होती थी। फिर वहाँ से हम अभी हाल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली में। यहाँ पे सर एक चीज़ जो खुशी की बात होती है कि जो कंपनी होती है, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं हमारे यहाँ बैंक में, तो उनकी सैलरी जब आने वाली होती है
तो वो हमसे पूछते हैं कि सर सैलरी कब आने वाली है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, वाइफ का बर्थडे उसे गिफ्ट देना है, तो आप बता दो सैलरी कब आएगी। तो जैसे ही ऐसे बात करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, वो सीट भेज देते हैं, एक्सेल सीट होती है, और वो सैलरी आती है, और हम उनको सैलरी क्रेडिट होने के बाद तुरंत फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भैया आप ले लो अपनी वाइफ के लिए जो भी आपको लेना है। तो ये अच्छा लगता है। ओके ऑलराइट, तो जल्दी से आपको जो खेल के नियम है वो हम समझा देते हैं। एक धनालय यहाँ खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्नों का, शुरुआत होती है 1,000 रुपये से, बढ़ते 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 के पहुँच जाते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपये। इस राह में आपके 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, वो है 7 करोड़ रुपये का। इस राह में, इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप जानते हैं, ये दुगदुगी जी बजती रहेगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, फिर 5 से 10 तक ये देंगे आपको 60, और 10 के बाद ये शांत। आपके सुविधा के लिए आप बिल्कुल चांस न लें, 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, ये देखिए आ गए हैं बगल में, और 50-50 है, 2 विकल्प मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, यदि आपको प्रश्न पसंद ना आए तो उसे बदल सकते हैं, और आज देख हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका हम परिचय करवा देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट देवी और सज्जनों हैं शरद विवेक सागर जी है। शरद जी, एक बार फिर आपसे निवेदन है, कुमार सौरभ जी को अपना आशीर्वाद दें। सौरभ जी को आज के खेल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप कहीं पर अगर फंसते हैं तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपका सहयोग करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, थैंक यू सो मच। तो शरद जी हमारे साथ रहेंगे, और जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। कुमार सौरभ जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, खूब बढ़िया खेलिएगा। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न, 1,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द डॉन फिल्म के इस गाने के बोल को पूरा करेगा, खाई के पान डैश, विच ऑफ दीज वर्ड्स विल कंप्लीट द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म डॉन, खाई के पान डैश। ऑप्शन सुनिए, ए मीठा वाला, बी है कत्था वाला, सी सुपारी वाला, या डी बनारस वाला। सर डी बनारस वाला। डी बनारस वाला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंदा चल का ताला। ये गाना डॉन फिल्म का है, जिसके गायक थे किशोर कुमार, और जिस पर ये फिल्माया गया था वो इस समय आपसे बातचीत कर रहा है, बैठे हुए हैं। ओहो, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये रहा 2,000 रुपये के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। यदि भेड़ों की एक झुंड में 40 जोड़ी पैर हैं, तो झुंड में कितनी भेड़ें हैं? If there are 40 pairs of legs in a herd of sheep, how many sheep are there in the herd? अनुमान लगा लीजिए, ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ये रहा ऑप्शन आपके, ए 40, बी 20, सी 10, या डी 30। 40, 20, 10 या 30? 40 जोड़ी, यानी कि 40 पैर, 40 जोड़ी, 40 जोड़ी पैर, 40 pairs of legs। सर ये क्या कंफ्यूजन है, मैं पैर का समझ नहीं पा रहा। 40 पैर ऑफ लेग्स, जल्दी बोलिए सर ये क्या। लाइफ लाइन ले ले, ले लीजिए सर। ऑडियंस, ऑडियंस दुख दुखी जी, ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस बोलो, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बोल, आपकी बारी आ गई ऑडियंस। यदि भेड़ों की एक झुंड में 40 जोड़ी पैर हैं, तो झुंड में कितनी भेड़ें हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। बी को दिया है 91%, क्या करेंगे आप? पक्का है सर, लॉक, यही जवाब था मेरे मन में, पता नहीं क्यों, क्या निराश हो गए आप एकदम। नहीं सर ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। बी पे ताला लगाया जाए। बी बिल्कुल सही उत्तर है। ये फ्री में गया सर, तो ये लाइफलाइन नहीं जानी चाहिए थी। क्या है हड़बड़ी में कई बार जो है ना, सर, ये जोड़ी और वो हो गया ना, 40 का 80 कोई बात नहीं कुमार, ऐसी भी क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, एक लाइफलाइन चली गई तो क्या हुआ। तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए आपके सामने, ये रहा।
H2SO4, HCl और HNO3 किस पदार्थ के रासायनिक सूत्र हैं? H2SO4, HCl and HNO3 are formulae of what substance? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A. एसिड्स, B. ऑयल, C. सोप्स या D. पेंट. क्या ये एसिड है, तेल है, साबुन है या पेंट? सर ए एसिड. ए एसिड. यस. लगा दिया जाए ताला? सोच लिया अच्छी तरह? ताला लगाया जाए एसिड के ऊपर. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड. ये सभी मिनरल एसिड्स हैं. एसिड एक रासायनिक पदार्थ है और जिसमें हाइड्रोजन होता है और अन्य पदार्थों जैसे बेसिस इत्यादि के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है ये. ओके, आगे बढ़ते हैं. हमारा चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए इसका मूल. चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा. आप इनमें से किसे टोन्ड, डबल टोन्ड और स्किम्ड प्रकार में खरीद सकते हैं? विच ऑफ दीज कैन यू परचेस एज टोन्ड, डबल टोन्ड और स्किम? ऑप्शन सुनिए. ए फ्रूट जूस, बी कॉफी, सी मिल्क या डी टी. फलों का रस, कॉफी, दूध या चाय? सर से मिल्क. मिल्क? यस सर. ताला लगाने लायक? हाँ सर. सी मिल्क, दूध पे ताला लगाया जाए. सही उत्तर दिया आपने. ओके, आगे बढ़ते हैं. पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए. ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. विजय शेखर शर्मा ने किस कंपनी की स्थापना की थी? विच कंपनी वॉज फाउंडेड बाई विजय शेखर शर्मा? ए फ्री चार्ज, बी पेटीएम, सी मोबिक्विक या डी फोन पे. सर पेटीएम और फोन पे में लग रहा है. ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? फोन पे. विजय शेखर शर्मा. पेटीएम विजय शेखर शर्मा. रिचार्ज मोबिक्विक है नहीं. विजय शेखर शर्मा फोन पे. 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए. लाइफलाइन लेनी हो तो लेंगे, शांत हो जाइए. कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? 50-50 सर. 50-50? यस सर. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. चार विकल्प थे, 1, 2, 3, 4, दो को मिटा दीजिए. पेटीएम सर. पेटीएम? यस सर. ताला लगाए? हाँ सर. बी पेटीएम पे ताला लगाइए. ये सही उत्तर दिया आपने. पहला पॉइंट पार हो गया आपका, 10,000 रुपए जीत गए. ऑलराइट भाई साहब, पहला पड़ाव पार हो गया है. अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए. दो लाइफलाइन चली गई है, चिंता मत कीजिए, इत्मीनान से खेलिए. छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. ये एक ऑडियो प्रश्न है. इस गाने के गायक कौन है? आपको बताना है हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग. गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए मीका सिंह, बी आतिफ असलम, सी सोनू निगम, डी मोहित चौहान. सर डी मोहित चौहान. डी मोहित चौहान? यस सर. चोर है? यस सर. लगा दे ताला. हां सर. डी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड. बहुत खूब. कभी आपने अपने जीवन में कोई ऐसा रोमांटिक गाना किन्हीं को, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझ गए. सुनाया हो या? नहीं नहीं सर, गाना तो आता नहीं है. अपना गाया हम खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी और को क्या सुनाएंगे सर. गाना उन्होंने नहीं सुनाया आपने? नहीं, गा के नहीं सुनाया, बस ऐसे ही मतलब होता है ना व्हाट्सएप पे कि हाँ ये गाना मेरी, मान के चलो कि हम गा रहे हैं उसको सुन लो, तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया. कैसे मान जाते हैं ये? मानना पड़ता है सर, और क्या तरीका, कुछ तो कर रहा है.
इतना लगाव है कि आपने बोल दिया और उन्होंने सुन लिया। नहीं सर, लगाव लगाव नहीं है सर, उसको पता है हम ज्यादा आलसी हैं। कौन है ये मोहतरमा? हाँ सर, एक है लड़की है। तो सर ये बताइए कि बिना गाने के कैसे मुलाकात हो गई आपकी? नहीं, गाने से सर ऐसे हम मिले थे, एक ऐप था उसके थ्रू, वहाँ से फिर दिल्ली में मिले पहली बार। और हम सर शुरू से बचपन से जो कॉलेज था या स्कूल था, हमें सब लड़के लड़के रहते थे, कोई लड़की वड़की थी नहीं हमारे साथ कभी। तो कुछ लड़की वड़की क्या होता है? नहीं, लड़कियाँ नहीं थी सर। जी जो दोस्त थे मेरे उनको पता था कि बहुत ज़्यादा शर्मिला है, ऐसे पता नहीं कैसे बात करनी होती। पहली बार जब बात करने जा रहे थे, मिलना था, तो वो हमें मतलब एक दिन पहले से ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्या पहनना है, कैसे बाल रखने हैं, कैसे चश्मा पकड़ना है, ये तक सब ये सब सिखाया गया। हाँ, अच्छा। उसका प्रेशर अलग था। तो हम मतलब जब गए मिलने के लिए तो सब कुछ भूल गए। हाँ, एक बात हुई थी हमारे बीच कि हम पहली बार मिल रहे थे, तो कौन किसे पसंद करता है ये कैसे पता चलेगा? तो हमने बोला कि अगर हम आपको पसंद आते हैं तो हम आपका हाथ पकड़ेंगे, और अगर आप हमें पसंद करती हो तो आप मेरा हाथ छोड़ना मत। तो हम गए मिले, थोड़ी देर 15-20 मिनट ऐसे बातें बातें हुई, घूमे। थोड़ी देर के बाद अब हो गया, वो याद आ गया कि हाथ भी पकड़ना था, तो हम हाथ पकड़ लिया उनका, और मेरे मुंह से जय हनुमान निकल गया उस वक्त। डर से जय हनुमान निकल गया आपके मुंह से? क्योंकि वो हनुमान जी बचाते हैं ना सर, ऐसी जगह डर लगता है जहाँ पे। तो सर जैसा हुआ था उसके हिसाब से उसने छोड़ा नहीं हाथ। करीब हो गए आधे मिनट तक ऐसे ही पकड़ा रहा, फिर हम बोले कि अब छोड़ दो, समझ गए। हो गया, समझ गया, हो गया संबंध। ऑलराइट सर, कितने साल हो गए इसको? सर 4 साल होने वाले हैं। ऑलराइट, कोई तोहफा वोहफा दे देंगे आप क्या उनको? तोहफा सर, 4 साल हो गए आपको, ये भी बहुत बड़ा सरदर्द है सर मेरे लिए। उसका बर्थडे जब था तो एक केक दिया था, वैनिला वाला केक था। जी जी। और हमें पता ही नहीं था कि उसे वो फ्लेवर पसंद नहीं है, उसकी वजह से मना ही कर दिया, बोला कि आज के बाद कभी मत देना कोई गिफ्ट। तो आप सर क्या गिफ्ट देते हैं, कुछ आइडिया हमें दे दीजिए तो हम पता चल जाए तो हम भी कुछ वैसा करेंगे। सर हमारे यहाँ भी ऐसा है कि कोई ऐसी प्रथा नहीं है कि क्या गिफ्ट देना है क्या नहीं देखना है। जी, पत्नी हमारी ज़्यादा इस मामले में महंगी चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीदती हैं। अच्छा, उनके लिए केवल पूछ लेना या हंस के बात कर लेना या कुछ एक ऐसा ही कोई इशारा हो, एक गुलाब का फूल हो, या केवल बस बात ही कर लेना। नहीं सर, नहीं सर, जितनी महिलाएं कह रही, ये तो बड़ी बुरी आदत है, इनको मांग लेना चाहिए तो कुछ बड़ा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जीवन में जो ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने रखेंगे मान्यवर, सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है, इस चित्र में किस ऋषि को दर्शाया गया है? दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच ऋषि, तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑप्शन सुनिए, ए ऋषि विश्वामित्र, बी ऋषि परशुराम, सी ऋषि दुर्वासा, डी ऋषि अष्टावक्र। सर बी, ऋषि परशुराम। ऋषि परशुराम जी सर। शोर है सर, लगाए ताला? हाँ सर। बी पे कह रहे हैं कुमार सरोज जी कि ताला लगा दिया जाए, लगा दीजिए। मान्यवर आप सही निकले, बिल्कुल सही उत्तर दिया। परशुराम नाम का शाब्दिक अर्थ है कुल्हाड़ी, यानी परशु के साथ राम। परशुराम परशु तथा राम शब्दों के मेल से बना है। ऋषि परशुराम भगवान विष्णु के अवतार। ओके, और ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र
कथा की सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। All right, भाई साहब, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर। 80,000 रुपए मूल्य है इसका। यस सर। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस महाद्वीप में कोई भूभाग से घिरा देश नहीं है? Which of these continents has no landlocked countries? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नॉर्थ अमेरिका, बी साउथ अमेरिका, सी अफ्रीका या डी यूरोप। क्या सोच रहे हैं भाई साहब? सर नो लैंडलॉक कंट्रीज कहने का मतलब सारे देश जो है वो किसी समुद्री सीमा से जुड़े हैं। बिल्कुल सही है ना? सर ऐसे तो यूरोप तो है नहीं, अफ्रीका है नहीं, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में कोई है? नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका। सेकंड बोलिए। नॉर्थ अमेरिका सर। ए नॉर्थ अमेरिका। ए यस। ताला लगा दे। यस सर। नॉर्थ अमेरिका ए पे ताला लगाया जाए। क्यों ऐसा सोचा आपने? सर अमेरिका का पता है, कनाडा का पता है, और ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों साइड हैं दोनों के, तो इस वजह से स्कोप नहीं है वहाँ पे कि कोई ऐसी कंट्री हो जो लैंडलॉक्ड हो, इसलिए नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जीत गए 80,000 रुपए। कुमार सरोज जी, हमारे पास एक वीडियो है जो कि हमारी टीम ने बनाया हुआ है। हम चाहेंगे कि न केवल हम बल्कि बाकी दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? एक किताब थी अंकों का जादू, तो पापा वो एक बार मेरे लिए लेकर आए थे और उस किताब में इतनी ज्यादा चीजें थी, ट्रिक्स थी, जो कि अपने दोस्तों के बीच में जा करके वो चीजें करते थे जिससे वो लोग सोचते थे वाओ इसे कितना ज्यादा आता है। पापा कैसे थे और कैसे हैं हम ये नहीं कह सकते अभी। 2014 में 1 अप्रैल का दिन था और शाम में करीब 6:30 के बीच पापा रोज की तरह सब्जी लाने के लिए निकले थे। 7 बज गए, 8 बज गए, 9, 9:30, उनका कुछ पता नहीं कहाँ पर है। और धीरे धीरे आज 7 साल हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला उनका। पापा के जाने के बाद घर में सब परेशान थे, हम भी थे, लेकिन भाई जी जो हैं मेरे, उन्होंने एक डिफेंडर की भूमिका निभानी स्टार्ट कर दी। फैमिली कम्स फर्स्ट। ये जो डिसीजन और चॉइसेस आपको लेने होते हैं ना, ये स्कूल में नहीं सिखाते, कॉलेज में नहीं सिखाते, आपको लाइफ सिखाती है। वो खुद अकेले रो लेते थे लेकिन कभी किसी के सामने नहीं रोए आज तक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़े भाइयों के साथ कि वो छोटा छोटा ही रह जाते हैं और बड़ा अचानक बड़ा हो जाता है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो राम लक्ष्मण की भूमिका जो होती है ना, उसमें वो परफेक्ट राम की भूमिका तो निभा रहे हैं, मगर हम लक्ष्मण अपने आप को नहीं मानते कि हम बन पाए अब तक। उसे नहीं पता कि मैं राम तो नहीं हूँ बट रावण जैसे 10 सर है मेरे पास, और ये 10 सर की जरूरत कलयुग में इसलिए कि मुझे हर सिचुएशन के हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है। केबीसी को बहुत लोग देखते हैं, पूरे भारत में देखते हैं। अगर पापा कहीं से देख पा रहे हैं तो इस चीज़ को देख करके एटलीस्ट हमारे से कांटेक्ट कर लें, घर पे आ जाएं, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। मुश्किल प्रश्न है सर, मतलब मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुआ पिताजी? सर हम लोग पहले भागलपुर में रहते थे, भागलपुर से बेगूसराय 2002 में आए थे, तो पापा के जो जान पहचान के लोग थे वो उस वक्त वो कुछ करते नहीं थे, तो उन्होंने एक दुकान में काम दिलाया था उनको एज एन अकाउंटेंट, वो हिसाब किताब का काम करते थे वहाँ पे। तो
कुछ समय के बाद जो दुकान वाले थे उनको पता था कि इनके जो चाइल्डहुड जान पहचान वाले लोग थे वो अच्छी जगह पर हैं, उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो वो पापा को कहते थे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप अपने दोस्तों से हमें दिलवा दो। तो पापा को तो जानते थे सारे दोस्त जो भी थे जान पहचान वाले, तो वो जाते थे और वो फ़ोन कर देते थे कि आप ये आने वाले हैं, आप पैसे दे देना, हमें पहुँचा देंगे। पापा चले जाते थे उनके पास से पैसे लेते थे, अपने हाथ से लेते थे और अपने हाथ से उनको देते थे दुकान वाले जो थे। कुछ समय के बाद, 2 साल या कुछ समय हुआ और 1.5 साल 2 साल के बाद वो दुकान वाले अचानक से चले जाते हैं, दुकान छोड़कर भाग गए। जी, जाने वाले तो चले गए लेकिन जो इनके जान पहचान के थे उन्होंने कहा कि आपको पैसे दिए हमने तो आप वापस करो। उस प्रेशर को झेलने के लिए कोई और जान पहचान वाला मिला या फिर थर्ड पर्सन, उससे पैसे लेकर के इनको शांत करते थे। उस समय वो शांत होते थे, अब जिससे लिया वो फिर हल्ला करना स्टार्ट करते थे, उनको शांत करने के लिए फिर किसी और से लेते। ये चक्र चलता गया सर 2007 से 2014 तक। वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो लास्ट में पता चलने लगा, बात करने से पता चल जाता था कि कितने ज़्यादा मेंटल ट्रबल में है, लोग उन्हें परेशान करने लगे थे। फिर 2014 में 1 अप्रैल का दिन था, दोपहर में मेरे पास फ़ोन आया 3 बजे कि सौरभ अच्छे से पढ़ाई करना, मम्मी का ख्याल रखना, कभी परेशान मत होना। ये मेरी लास्ट बात हुई थी। उसके बाद 2 तारीख को सुबह मेरे बड़े अंकल का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि पापा अभी तक आए नहीं हैं, कल शाम में गए हैं उसके बाद आए नहीं हैं। फिर आए नहीं सर। हम लोग 2 दिन के बाद पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करी। अभी तक पता नहीं चला है कि पिताजी कहाँ हैं? ना सर, कोई अच्छी खबर है ना बुरी खबर। ये कितने साल हो गए? 6 साल? हाँ सर, 2014 से 2021 में 7 साल पूरे हो गए। कुमार वैभव जी, आपने बहुत सारी जिम्मेदारी आपने निभाई है, न केवल अपने परिवार के प्रति, छोटे भाई के प्रति, क्या विचार है आपके? सर, चॉइस नहीं है ना, इट इज ड्यूटी। ड्यूटी ऑप्शंस नहीं देती, ड्यूटी है तो करनी है। 2014 का इंसिडेंट है, 2006 से मैं घर से बाहर हूँ 18 साल की उम्र से। वहीं से समझ गया था कि मुझे खुद इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं 18 साल का हुआ था उन्होंने मुझे बोला था, वैभव तुम बड़े हो गए हो, 18 साल के हो गए हो और आज के बाद तुम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद लोगे, डिसीजन तुम लोगे। 2011 हुआ, फाइनेंशियल ट्रबल जो सौरभ ने बताया वैसा आया। उन्होंने बोला वैभव तुम कुछ पैसे अरेंज कर दो। मैंने बोला आई विल डू दैट, कर देता हूँ। कुछ सालों के बाद फिर बोला, मैंने बोला पापा मैं तो सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मेरी सर्टेन लिमिट्स हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम तो बता दो। बोला कि बताया उन्होंने, सिचुएशन ऐसी हो गई कि जीने का मन नहीं करता, प्रॉब्लम आई, सपोर्ट किया, ढूंढना पड़ा। और सर जब कुछ नज़र नहीं आता तो भगवान नज़र आता है, भगवान के पास मंदिर, मस्जिद, ज्योतिषी, मौलाना, कुछ लोगों ने बताया मंदिर जाओ, पटना में बहुत फेमस मंदिर है वहाँ जाना। सारी रात सर मैंने पटना जंक्शन पे बिताई, सुबह से शाम तक। पटना का एक फेमस हनुमान मंदिर है, किसी ने बोला वहाँ सुबह और शाम में खाना मिलता है जी। भिखारियों की जो लाइन लगती है ना जी, खड़ा था, आते थे देखता था, जाते थे देखता था, रात में देखा, सोने के टाइम में देखा कि देखूं शायद हो, अगर ऐसी बात है भरोसा किया कि ऐसी कंडीशन हो गई हो, इंसान मानसिक रूप से मजबूर हो जाता है, टूट जाता है। इस उम्मीद में मैं सर काफ़ी ढूंढता रहता था। मेरी शादी हुई थी 2014 फेब में सर, इंसिडेंट अप्रैल का है। वाइफ को लग रहा था कि उनके कदम कैसे हैं कि घर आते ही इंसिडेंट आ गया, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। जब बातें बिगड़ती हैं तो फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मेरी हैं, सारी दर्द मेरे हैं, खुशी आएंगी वो सबकी होंगी, दर्द आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ऐसे सोचना बहुत ही आप में बड़प्पन है भाई साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये जो दुविधा है ये दूर हो। सौरभ, अगर आपको लगे कि शायद आपके पिताश्री ये कार्यक्रम देख रहे हों, सर आपके तो कुछ आप कहना चाहेंगे? आप कैमरा में देख करके बोल सकते हो। अगर आप देख रहे हैं, आप तो फैन थे केबीसी के और सर के, अगर आप देख रहे हैं और कभी भी देखते हैं तो दिल्ली में ही हम लोग हैं, आपको पता है, आ जाइए अगर आप देख रहे हैं तो सर। या हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा ही सही, अगर आपके पिताश्री ने ये देख लिया है कार्यक्रम, आपकी बातें सुन ली हैं,
तो अवश्य वो वापस आए। सर पानी पीना? हाँ जी पानी अवश्य पीजिएगा, यही कहने वाला था, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पिताश्री की बात सुन करके सब लोग बहुत भावुक हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं इस खेल में, ठीक है? और कोई चारा नहीं है सर। ऑलराइट यस सर, चलिए खेल की ओर अब ध्यान बढ़ाते हैं। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। जून 1539 में इनमें से किस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? इन जून 1539 एट विच ऑफ दीज प्लेसेस वॉज अ हिस्टोरिक बैटल फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए चौसा, बी खानवा, सी मुजफ्फरपुर या डी चंपारण। सर चौसा, ए ऑप्शन, खानवा की लड़ाई आसपास में हुई है शायद, लेकिन ऐतिहासिक युद्ध है तो ये चौसा ही होगा सर। चौसा की लड़ाई ऑप्शन ए। चौसा? यस ऑप्शन ए। श्योर है? लगा दें ताला। यस कमिश्नर महाशय, ए चौसा, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है भाई साहब आपको। परफेक्ट। मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 को बिहार के चौसा नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। यह है खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रूसी पत्रकार डिमिट्री मुराटोव ने किसके साथ 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया है? विथ हुम डिड रशियन जर्नलिस्ट डिमिट्री मुराटोव शेयर द 2021 नोबेल पीस प्राइस? ऑप्शंस देखिए, ए जियोर्जियो पेसिक, बी अब्दुल रजाक गुरना, सी डेविड जूलियस, डी मरिया रेसा। सर डेविड जूलियस जो है इनको केमिस्ट्री में मिला है, अब्दुल रजाक गुरना को लिटरेचर में मिला, मरिया रेसा को पीस में मिला है, और ये जो पहले वाले हैं क्या नाम है इनका, जॉर्जियो पेरेसिक, इनका याद नहीं आ रहा, शायद इनको केमिस्ट्री में मिला, नहीं फिजिक्स में मिला था। किसके साथ जाएंगे? डी मरिया रेसा। डी के साथ जाएंगे? यस मरिया रेसा, डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। कुमार सौरभ जी, थैंक यू सर, दूसरा पड़ाव भी पार हो गया है, 3,20,000 रुपए जीत लें, और चेक आ रहा है इस समय आपके नाम, जोरदार तालियां बज जाएं के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए का चेक, जोरदार तालियां बजा दीजिए जनता। अब भाई साहब आपको कुछ चीज़ें बता दें, एक तो यहाँ पर आकर के ये दुगदुगी जी शांत हो जाएंगी, 16वां प्रश्न का जो द्वार है जैकपॉट प्रश्न वो खुल जाता है, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, प्रश्न जो है धीरे धीरे और गंभीर होते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे। सर अगला प्रश्न जो 11वां प्रश्न है इसे खेलिएगा जरूर, आप लीस्ट रिस्क में हैं आप। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपये कुमार सौरभ जी आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा सबसे पहली बार किया था? Who among these was the first to score 6 sixes in an over in an international cricket match? ऑप्शन सुनिए, ए करण पोलार्ड, बी
Herschel Gibbs, C. Yuvraj Singh, D. Ravi Shastri. रवि शास्त्री का तो सर पता नहीं है, हर्षल गिब्स ने तो मारा है, युवराज सिंह ने भी मारा है 6 छक्के, किरण पोलार्ड ने भी मारा अभी हाल में श्रीलंका के खिलाफ, किरण पोलार्ड ने अभी हाल में मारा, युवराज सिंह ने उनसे पहले मारा, हर्षल गिब्स ने इनसे भी पहले मारा, रवि शास्त्री ने मारा कि नहीं मारा ये पता नहीं है, तो इसके हिसाब से हर्षल गिब्स होना चाहिए, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात है, किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मैच था, युवराज सिंह इंग्लैंड और इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मैच था, हर्षल गिब्स इनका अंतर्राष्ट्रीय मैच है या नहीं है पता नहीं सर, ऐसे हर्षल गिब्स ही होना चाहिए इसका आंसर। ओके, क्या करेंगे सर? हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स लगाएंगे? यस सर। बहुत सोच समझ और अनुमान लगा करके बी हर्षल गिब्स पे उनका इशारा जा रहा है कंप्यूटर महाशय, इसे ताला लगाया जाए। आपको मालूम है कि रवि शास्त्री पहले शख्स थे, क्रिकेटर थे, जिन्होंने 6 छक्के लगाए, मगर शायद अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं होगा शायद, लेकिन मान्यवर वो इंटरनेशनल गेम नहीं था। हर्षल गिब्स इज द राइट आंसर। 16 मार्च 2007 हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के हिट नेदरलैंड्स स्पिनर डैन वैन बुंगे फॉर 6 sixes इन एन ओवर। हर्षल गिब्स, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। क्रिकेट वगैरह काफी देखते होंगे आप? हाँ सर देखते हैं, अभी तो मतलब अब तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ हाईलाइट्स देख लेते हैं। हाईलाइट्स देख लेते हैं जी। सर आज आप यहाँ से जब जाएं तो जितनी भी आपकी संकट हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, वो सब दूर हो जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि आपके पिताश्री ने आज इस कार्यक्रम को देखा होगा और ये देख करके कि आपने और आपके बड़े भाई साहब ने इतनी मेहनत की है, क्योंकि वो दूसरों के दिए हुए पैसे को वापस नहीं लौटा पाए, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया है, वो देख करके कम से कम वापस आ जाएं, ताकि जितनी भी धनराशि उनको वापस देनी थी वो आप दोनों भाई मिल करके वो चुका सकते हैं। तो हमारी भी प्रार्थना है आपसे, यदि आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं भाई, कि आपके जो दोनों सुपुत्र हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने, आप वापस घर आ जाइए, जो भी दुविधा है वो पार हो जाएगी, दोनों बेटे जो हैं तो मेहनत कर रहे हैं कि वो जो असंभव सी बात उस समय आपको लगी होगी, लेकिन अब संभव हो जाए। ऑलराइट, दो लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपके पास, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि अगर आपने सही तरीके से खेला yes, तो कम से कम आप 25 लाख रुपए तो अवश्य जीत सकते हैं। हाँ सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, कुमार सौरभ जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काजर की कोठरी और भूतनाथ नामक उपन्यासों के रचयिता कौन हैं? Who is the author of the novels काजर की कोठरी एंड भूतनाथ? ऑप्शंस देखिए, ए प्रभाकर माचवे, बी मैनेजर पांडे, सी देविकी नंदन खत्री, या डी मोहनलाल महातो वियोग। सर इसमें ए का आइडिया नहीं है, बी का आइडिया नहीं, और डी का भी आइडिया नहीं है। देवकी नंदन खत्री यही एक नाम है जो हम जानते हैं चंद्रकांता की वजह से, बाकी अब और भूतनाथ मूवी सर आपकी है कि क्या मतलब शर्म की बात हो गई है, तो काजर की कोठरी और भूतनाथ, देवकी नंदन खत्री और भाकर माछुए मैनेजर पांडे, अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा ही नहीं है जब कुछ पता ही नहीं है, देवकी नंदन खत्री को छोड़कर, और जब वो चंद्रकांता जैसा उपन्यास लिख सकते हैं तो भूतनाथ की रचना भी कर सकते हैं ऐसा हम सोच सकते हैं, मगर ऐसा सोचने का कोई फायदा है नहीं, लग तो ही रहा है ऐसे। देवकी नंदन खत्री। क्या करना चाहेंगे सर? सी देवकी नंदन खत्री। सोच लिया? हाँ सर। कबीर महाशय सी देवकी नंदन खत्री कह रहे हैं कुमार सौरभ जी, ताला लगा दीजिए। आपने कहा था कि आप गेस कर रहे हैं। हाँ सर।
पूरी तरह से गेस है क्योंकि और क्या अनुमान लगा कि बाकी सबका नाम सुना नहीं, केवल इन्हीं का नाम सुना है तो यही होगा। सर इनकी चंद्रकांता के बारे में पता था, चंद्रकांता उपन्यास इन्होंने लिखा जी जी, और कुछ वैसा ही भूतनाथ तो कुछ वैसा ही है, काजल की कोठरी का पता नहीं, बस एक वो अंदर से फील आई थी सर और कुछ नहीं था। अंदर की फील सही निकली आपकी भाई साहब, देवकीनंदन हिंदी भाषा के एक महान उपन्यासकार थे और उन्होंने कई उपन्यासों की रचना की जिनमें से चंद्रकांता जैसा कि आप कह रहे थे बहुत ही लोकप्रिय और सबसे लोकप्रिय बनी। वाह भाई साहब बहुत खूब, लेकिन आपके अनुमान लगा आपके खेल समाप्त हो गया सर, आपके अनुमान लगाने का तरीका हमें बहुत पसंद है। अच्छा ये तीन हमने सुना नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकते, चलो इस पे लगा देते हैं। ये काफी बड़ा रिस्क था, अगर ये गलत होता भाई जी ना कान पकड़ के उठा के ले जाते यहां से। तुमने पढ़ा नहीं था सौरभ, मैंने तो पढ़ा था। इन्होंने भी पढ़ा हुआ था, जानकारी है, घर जाकर के पढ़ती फिर मार आपको। ऑलराइट, लेकिन आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, धन्यवाद सर। और अच्छी बात यह है कि आप अभी भी केवल दो प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से। अच्छा दो ही बचे, कितने आ गए सर? 13 और 14 बचे हैं, उसके बाद 15 1 करोड़ का। ओके सर। और 2 लाइफलाइन जीवित हैं आपके। हाँ सर। खेल आज का समाप्त हो गया है। सर यही हम चाह रहे थे कि आज नॉट आउट जाना है क्योंकि एक दिन अभी मिलेगा फिर शायद। जी जी, तो आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा कुमार सौरभ जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और यहीं पर हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे। शरद विवेक सागर जी एक बार फिर प्रकट होइए, आपका हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए उनके लिए, धन्यवाद आपका। शरद जी एक बार जोरदार तालियां बज जाए, शरद विवेक सागर। ऑलराइट, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। क्या बात है।